Hey, what's up guys, this is Technical Wallet, welcome with another video. So guys, today we are know about why iPhone so famous and more people attract to the iPhone and not regret to pay high amount in iPhone. तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आईफोन इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी लोग इसको बाय करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम टॉप 5 रीजन के बारे में बात करेंगे। हमारे जो नंबर 1 रीजन है दोस्तों, वो है उसका जो बॉडी पैटर्न, बॉडी डिजाइन एंड एप्पल लोगो। तो गाइस, आप लोग जानते ही होंगे आईफोन में जो उसका बॉडी पैटर्न एंड उसका जो बॉडी डिजाइन होता है वो कितना अट्रैक्टिव होता है, एंड उसको पकड़ने में जो प्रीमियम फील होता है गाइस, वो बिल्कुल लाजवाब होता है। एंड उसका ब्रांड वैल्यू के लिए जो उसका जो एप्पल लोगो होता है, सिर्फ उसको दिखावा करने के लिए भी कुछ लोग बाय करते हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। हमारे जो सेकंड रीजन है वो है स्क्रीन क्वालिटी एंड रेटिना डिस्प्ले, रियलिस्टिक फीलिंग एंड स्मूथनेस। तो गाइस, यहाँ पे जो रेटिना टेक्नोलॉजी इन लोगों ने इनके डिस्प्ले पर जो डाले हुए ना, वो बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि इसके वजह से इनका जो डिस्प्ले क्वालिटी होता है वो बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग देता है, स्क्रीन की जो टाइमिंग होता है वो बिल्कुल स्मूथनेस होता है। यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है वो है कैमरा क्वालिटी। तो दोस्तों, आप तो सारे जानते ही होंगे, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं कि आईफोन की कैमरा क्वालिटी कैसा होता है। और इनका कैमरा में जो आई साइट रेटिना टेक्नोलॉजी होता है वो बिल्कुल फ़ोटो की क्वालिटी में ज़बरदस्त इफेक्ट आता है, और इनका जो फोटो निकल के आता है वो बिल्कुल नेचुरल ही आता है, जैसे कि आप आपका आँखों में देखते हो। तो इनका कैमरा क्वालिटी के बारे में आप इस बात से अंदाज़ा ला सकते हो कि इसका जो कंपेयर बड़े लेंस वाले DSLR कैमरे के साथ किया जाता है। आप यहाँ पे YouTube पे सर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर इनका जो कंपेयर DSLR कैमरे के साथ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कोटेशन है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मेरा खुद का एक्सपीरियंस के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने किसी वेबसाइट या इंटरनेट से कलेक्ट नहीं किया है। तो अगर किसी जगह पे कोई गलती होता है तो मुझे माफ़ कर देना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर पे, जो कि होता है प्रोसेसर नॉट फेसिंग लैगिंग प्रॉब्लम। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इस बात से आईफोन का प्रोसेसर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो फ़ोन शायद 2015 या 16 में लॉन्च हुआ था, वो आज की डेट में भी बहुत अच्छी वर्क कर लेता है, एंड कहीं पर भी लैगिंग का इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। 5 से 6 साल पुराना फ़ोन होने के बाद भी ये आज के जो हाई क्लास वाली गेम जैसे कि PUBG, फ्री फायर, Asphalt 8, ये सारे सबको सपोर्ट कर लेता है और बहुत ही स्मूथली वर्क कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा जो इस चैनल पे iPhone 6s Plus पे BGMI जो भी आप बोलो, उसका टेस्ट वीडियो आपको ऊपर आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर पे हमारा लिस्ट है वो है साउंड क्वालिटी, हाईली क्रिस्टल क्लियर साउंड। तो दोस्तों, आप में से अगर कोई भी आईफोन यूजर होगा तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि आईफोन की साउंड क्वालिटी कैसे होता है। इसका जो साउंड क्वालिटी होता है वो बहुत ही स्मूथ एंड क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी होता है, एंड डीप बास में होता है, जो कि इनका कॉम्बिनेशन से जो भी साउंड निकल के सामने आता है वो बिल्कुल लाजवाब होता है गाइस, जो कि सुनने के लिए बहुत ही अच्छी लगता है। अगर आपने बॉलीवुड स्लो म्यूजिक आईफोन में सुना होगा तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा, नींद आ जाता है। तो गाइस, ओवरऑल इसका जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है, इसके वजह से आप इसको किसी भी दूसरे OS पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, एंड आपको इसके वजह से बहुत ही दिक्कत होता है। तो ये एंड्रॉयड OS की तरह ओपन सोर्स नहीं होता है कि सब कुछ आराम से हो जाएगा। एंड गाइस, इसका जो मोर सिक्योर रीजन है, ये टाइम टू टाइम हमेशा अपडेट अवेलेबल होता है, इसके वजह से इसका जो हैकिंग होने का चांस बहुत कम होता है। ओवरऑल इन सारे रीजन की वजह से आईफोन का प्राइस इतना हाई होने के बाद भी लोग इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।